हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हल्की फुल्की सी बारिश हुई है और हम जा रहे हैं आज अपने घर वापस यूपी। और हम पहुंच गए हैं अब देखिए स्टेशन। लॉकडाउन जैसे कि चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी तो आने जाने में, बट कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो उसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। ट्रेन अभी नहीं आई है, ट्रेन थोड़ा लेट है टाइम से। और देखिए सारा स्टेशन जो है खाली पड़ा है, बस जो जिसको कुछ इम्पोर्टेंट काम है वही जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, इंजन वगैरह आ रहे हैं। ट्रेन हमारी काफ़ी लेट हो चुकी है, आई थिंक 2 घंटे लेट आई है। देखिए बहुत अजीब लग रहा है स्टेशन देखने में, क्योंकि कोई है ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि स्टेशन पे कभी भीड़ ना हो। और ये मास्क देख रहे हैं ना आप, इसमें तो मेरा दम घुट रहा है। और गर्मी भी बहुत हो रही है, मतलब मास्क में बहुत अजीब लग रहा है। और ये मैं तो जैसे ही ट्रेन में बैठी उसके बाद मैंने मास्क चेंज किया, बिकॉज मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, बहुत घुटन सी लग रही थी। तो मैंने ये सिंपल सा मास्क पहन लिया और पवित ने तो अपना मास्क उतार दिया, वो चिप्स खा रहा है। सैनिटाइजिंग वगैरह का सब बहुत अच्छे से ख्याल रखा हमने। और उसके बाद जो है हम घर पर ही रहे 14 दिन, अपने को होम क्वारंटीन किया हमने। तो कोरोना टाइम में भी बहुत अच्छी जो है हमारी ट्रैवल रही। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो सारी सावधानियों का ध्यान रखें, आप कुछ भी गड़बड़ ना करें, जितना हो सके अपना बचाव करें। ट्रेन में भी भीड़ बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसेंजर है, ऐसा नहीं है। देखिए बाहर आप देख सकते हैं। और अब हम आ गए हैं घर पे। देखिए पवित को गिफ्ट में दिलवाई गई है साइकिल, इसका बर्थडे गिफ्ट है ये। तो ये इसने ये वाली साइकिल पसंद की है जो, तो पवित का बर्थडे है और पवित को बर्थडे के लिए रेडी कर रही है उसकी मासी। और यहाँ पे देखिए इसके लिए ये वाले कपड़े दिए हैं इसकी नानी ने, लॉकडाउन के वजह से ज़्यादा अच्छे कपड़े तो नहीं मिल पाए तो यही दे दिए। और ये देखिए हम आज बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, इसमें छोले हैं और चावल बनकर तैयार हैं, पूरियां बनाई जाएंगी। बस कुछ खास नहीं है, नीचे जो किराएदार रहते हैं उनको और उनके बच्चों को बुलाया, और किसी को भी नहीं बुलाया बिकॉज कोरोना काल में तो कुछ ऐसा नहीं किया। बस थोड़े बहुत बलून्स लगाए हैं, ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन नहीं की, जितना हो सका अच्छा करने की कोशिश की। अब देखिए बच्चे आ चुके हैं और केक वगैरह भी सब आ गया है। लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज एक छोटी ट्यूबलाइट थी तो प्रॉपर लाइट नहीं हो रही है। देखिए पर बहुत खुश है वो बर्थडे में, सभी बच्चे बर्थडे बहुत इंजॉय करते हैं। तो अब इसका हम जो है केक कटिंग का प्रोग्राम करेंगे। और केक भी बहुत ब्यूटीफुल था ये, टेस्टी भी बहुत था। तो चलिए पवी का जो है केक काटते हैं। Happy birthday, dear Pavi. Happy birthday to you. Balloon phodo, balloon phodo. Balloon phodna. Yay! Ek kutli. Ek kutli hamare liye jana na. Hum apne gift kare aapke liye. Aap hamare liye jana. Acha aise baithne ke liye. Main thoda din se matlab hai khali. केक वगैरह सब कट चुका है। अब मैं इसकी बाइक आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए इसमें एक ही बॉटल भी आई थी जो कि पवी ने इसका पता नहीं कहाँ पे ऊपर का ढक्कन खो दिया है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है, ये बाइक बहुत अच्छी है, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। पवी भी बहुत इंजॉय कर रहा है, मुंबई में तो बस 2 कमरों में दम ही घुटता था। तो आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। पवी अपनी नानी के साथ खेल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।